नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर और देश के नंबर वन चैनल के नंबर वन शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कादिरफ के किलर किट्स, बिल्कुल सही सुना आपने, यूक्रेन जंग में बारूद का बवंडर लाने के लिए कादिरफ के किलर किट्स फ्रंटलाइन पर अब पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें, कच्चा चिट्ठा के स्पेशल एडिशन में आज कादिरफ के बारूदी खानदान की खुफिया रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और खबर है कि रमजान कादिरफ अपने बेटों को खुद से भी ज्यादा खूंखार बनाकर यूक्रेन युद्ध में उतार दिया है। अपने बेटों को कादिरफ बहुत पहले से ही चेचन लड़ाकों के साथ खून खराबा करना सिखा रहा था। क्या यूक्रेन जंग में कूद कर कादिरफ की बच्चा ब्रिगेड बुचा जैसा बवंडर लाने वाली है? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। रमजान कादिरफ को दुनिया पुतिन का हिटमैन कहती है। ये रमजान कादिरफ के हिटमैन है। कादिरफ को पुतिन का सबसे वफादार कहा जाता है। ये कादिरफ के सबसे वफादार है। रमजान कादिरफ पुतिन के राइट हैंड कहे जाते हैं। रमजान कादिरफ के राइट हैंड को देख लीजिए। पुतिन के एक इशारे पर खून की दरिया बहाने वाला चेचन स्पेशल फोर्स का सुप्रीम कमांडर रमजान कादिरफ के लिए पुतिन का आदेश पत्थर की लकीर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं रमजान कादिरफ के सबसे बड़े यस मैन कौन कौन है? वो ये हैं। ये तीन कादिरफ की सुनने के बाद अपनी भी नहीं सुनते। कादिरफ के इशारे पर ये किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। ये वो हैं जिन्हें रमजान कादिरफ सबसे खूंखार हंटर मैन बनाने में लगा है। जिन्हें बचपन में खिलौने की जगह बंदूक पकड़ा दी कादिरफ ने, जिन्हें बचपन में ही बारूद की दुनिया में पहुंचा दिया। ये कौन है? ये अभी कहां है? ये क्या करने वाले हैं? ये कहां जाने वाले हैं? इन्हें कादिरफ ने क्या फरमान सुनाया है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, ये कादिरफ के खानदान से हैं। इनकी रगों में कादिरफ का ही खून दौड़ता है। ये रमजान कादिरफ के बेटे हैं। रमजान कादिरफ ने ऐलान किया है कि ये तीनों यूक्रेन युद्ध में फ्रंट लाइन पर जाकर बारूद बरसाने वाले हैं। और तो और, इन तीनों में से ही किसी एक को कादिरफ चेचन फोर्स का चीफ बनाने वाला है, अपना बारूदी वारिस बनाने वाला है। रमजान कादिरफ नाम तो आप जानते ही हैं, दुनिया का सबसे खूंखार लड़ाका, जिसे न टैंक की जरूरत है न मिसाइल, फिर भी जंग में खौफ का जलजला लाने के लिए उसका नाम ही काफी होता है। ये ऐसा खूंखार है कि उसके लिए इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं। वो अपने बाद किसे चेचन फोर्स की कमान देना चाहता है, किसे अपने जैसा खूंखार बनाने में लगा है, किसे खुद की तरह बर्बर बनाने को तुला है। जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो कोई और नहीं बल्कि खुद रमजान कादिरफ के नाबालिग बेटे हैं। इनका नाम है अखमत कादिरफ, रमजान कादिरफ का बड़ा बेटा, उम्र 16 साल। एली कादिरफ, रमजान कादिरफ का दूसरा बेटा, उम्र 15 साल। अदम कादिरफ, रमजान कादिरफ का तीसरा बेटा, जो अभी सिर्फ 14 साल का है। रमजान कादिरफ ने ऐलान किया है कि इनको लड़ाई में खुद को साबित करने का समय आ गया है।
इसलिए कादिरफ ने इन्हें यूक्रेन जंग में उतारने का फैसला लिया है। ये यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभालने जा रहे हैं, ऐसे ही बारूद का विस्फोट करने वाले हैं। कादिरफ के इस ऐलान के बाद इतना जरूर साफ हो गया कि उनका बच्चा ब्रिगेड यूक्रेन को पूछा बना देने के लिए पूरी ताकत से धावा बोलने वाले हैं। यूक्रेन में पुतिन ने बेशक करीब करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को रूस में मिला लिया है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यूक्रेन में रूस की सेना लगातार पीछे हट रही, बैकफुट पर आने पर मजबूर हो गई। ऐसे नाजुक हालात में पुतिन के हिटमैन कादिरफ ने एक बार फिर कमर कस ली है। इस बार उसे यूक्रेन युद्ध में अपने बेटों को भी उतारने से गुरेज नहीं है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार टेलीग्राफ की इस हेडलाइन को देखिए, इसके शब्दों को पढ़िए। इसमें रमजान कादिरफ के बयान को हेडलाइन बना साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, रमजान कादिरफ सेंड्स हिज टीनेज सन्स टू फाइट फॉर व्लादिमीर पुतिन इन यूक्रेन। इस हेडलाइन को अगर हिंदी में कहा जाए तो इसका लब्बो लुआब है, रमजान कादिरफ अपने किशोर यानी नाबालिग बेटों को यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन के लिए लड़ने के लिए भेज रहे हैं। अब आगे बढ़ें और कादिरफ के अगले खूंखार प्लान के बारे में बताएंगे। उससे पहले कादिरफ के नए बारूदी प्रण को सुन लीजिए। कादिरफ का कहना है, एक पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपने परिवार, लोगों और पैतृक भूमि की रक्षा कैसे करनी चाहिए। रमजान कादिरफ ने जिन बेटों को युद्ध में उतारने का ऐलान किया है वो कोई मामूली बच्चे नहीं है। इन्हें बचपन से ही खूंखार बनने के सबक सिखाए गए हैं। माना जाता है कि कादिरफ ने अपने बेटों को जंग में लड़ने के लिए ही तैयार किया है। खुद कादिरफ भी इस बात का दावा करते हैं कि अब उनके बेटों की असल परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। मेरे बेटों ने बहुत कम उम्र में मिलिट्री ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी और अब समय आ चुका है जब उनके अनुभव की असली युद्ध में परीक्षा होगी। सवाल है कि क्या कादिरफ के तीनों खून यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि रूस ने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक संधि पर दस्तखत किए हैं जिसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चे को युद्ध में सीधे हिस्सा लेने के लिए नहीं भेजा जा सकता। अगर 15 साल के कम उम्र किसी बच्चे को युद्ध में भेजा जाता है तो इसे युद्ध अपराध में गिना जाएगा। और कादिरफ के सबसे बड़े बेटे अहमद कादिरफ की उम्र 16 साल है, दूसरे बेटे अली कादिरफ की उम्र 15 साल है। रमजान कादिरफ का तीसरा बेटा आदम सिर्फ 14 साल का है, लेकिन कादिरफ के नाम यूक्रेन युद्ध में कई युद्ध अपराध दर्ज है। ऐसे में अगर कादिरफ के बेटे युद्ध में कूदते हैं तो कोई अचरज नहीं है। अपने 14 साल के बच्चे को जंगे मैदान में उतारना रमजान कादिरफ के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कादिरफ ने 8 से 10 साल तक के लड़कों की बच्चा आर्मी बना रखी है जो इतने कम उम्र में ही युद्ध के मैदान में उतरने का दम भरते हैं। इन सभी बच्चों के हाथों में क्लाशनिकोव जैसे खतरनाक हथियार आप साफ साफ देख सकते हैं। वीडियो में जिन बच्चों के हाथ में आप बंदूक देख रहे हैं, दरअसल ये कादिरफ के बारूदी सनक का नतीजा है। दावा किया जाता है कि पहले चेचन युद्ध के बाद से युद्ध में बच्चों का इस्तेमाल शुरू हो गया था और यूक्रेन युद्ध के वक्त भी चेचन के किड कमांडर रूस के लिए जीने मरने की बात करते सुनाई देते हैं। सही सुना आपने, इतने छोटे बच्चे के जहन में बारूद का नशा भरने वाले कादिरफ ने ऐसे ही अपने बेटे के हाथों में कम उम्र में ही बंदूक थमा दी और अब अपने खून को खून खराबा सिखाने के लिए जंग में उतार दिया है। दुनिया को पहली बार इसकी भनक तब लगी जब रमजान कादिरफ अपने बेटे आदम कादिरफ को साथ लेकर मारियोपोल के एक अस्पताल पहुंचा। उस अस्पताल में रमजान कादिरफ ने अपने बेटे की मुलाकात अपने खास कमांडर रुस्लान ज़िरिमिएव से करवाई।
परिचय हुआ तो अस्पताल में भर्ती रुसलान ने भी अदम का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें चेचन फोर्स के चीफ का बेटा अदम सेना की वर्दी में दिखा। रमजान कादिरव का कहना है कि वो अदम को जंगे मैदान में इसलिए लेकर गया ताकि वो जंग की बारीकियों को सीख सके, युद्ध के दाव पे सीख सके, मरने और मारने के युद्ध कौशल को करीब से अनुभव करे। कादिरव ने इसे अदम का पहला कदम बताया, जबकि अदम को मारियोपोल ले जाने के पीछे दावा ये किया गया कि युद्ध में खुद जैसा बर्बर बनाने के लिए रमजान कादिरव ने बेटे को जंग के मैदान में उतार दिया, ठीक वैसे ही जैसे कसाई गैंग का कमांडर बच्चा ब्रिगेड को बचपन से ही सेना की वर्दी पहना देता है। उन्हें युद्ध कौशल में पारंगत करने के लिए घुड़सवारी सिखाता है और जंग के मैदान में दुश्मनों का खून बहाने के लिए संगीनों की सरपरस्ती सिखाता है। दावा किया जाता है कि कादिरव का यही बच्चा बटालियन बड़े होकर चेचन के खूंखार लड़ाके बनते हैं, इतना खतरनाक जो दुश्मनों के करीब आकर उनका गला ही काटने से हरगिज नहीं हिचकते, जैसे इन दिनों यूक्रेन की धरती पर बूचा और मारियोपोल में मौत बांट चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई में भी रमजान कादिरव और उसके चेचन लड़ाकों की मौजूदगी के आरोप लगे। बूचा में हुए नरसंहार की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का कलेजा कपा दिया उसमें भी कादिरव के चेचन लड़ाकों की भूमिका के आरोप लगे। मारियोपोल में रूस ने जो तबाही मचाई, बर्बादी की विनाश लीला को अंजाम दिया, उसके लिए कादिरव का प्लान और उसके चेचन स्पेशल फोर्स को जिम्मेदार बताया गया। यही नहीं, सेवरोडोनेस्क के साथ साथ डॉनबास इलाके के डोनेस्क, लोहांस्क के साथ साथ खार्किव की लड़ाई में भी चेचन लड़ाकों के शामिल होने के दावे किए गए। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में लेमान से अपने सैनिकों की वापसी की पुष्टि की है। लेमान पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना के लिए एक मजबूत किला बना हुआ था। यहीं से यूक्रेन में तैनात रूस की सेना को रसद और हथियारों की सप्लाई की जाती थी। लेमान के हाथ से निकलते ही कादिरोव ने रूस की सेना के टॉप कमांडरों को फटकार लगाई है। रमजान कादिरोव ने लेमान की हार के बाद यूक्रेन में कम क्षमता वाले परमाणु बम के इस्तेमाल की बात कही। कादिरोव ने पुतिन को सलाह दी है कि अब वक्त आ गया है जब यूक्रेन युद्ध में रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करे और यूक्रेन युद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचाए। दरअसल खुद को पुतिन का सबसे सच्चा सिपाही मानने वाले कादिरोव हर हाल में पुतिन की जीत चाहते हैं। यही वजह है कि वो परमाणु युद्ध की बात कर रहा है, अपने बेटों को फ्रंट लाइन पर भेजने का ऐलान कर रहा है। एक हफ्ते में लगातार दूसरी बार पुतिन ने परमाणु हथियारों का जिक्र किया है। क्या वाकई में रूस के कैंप में परमाणु हमले का इस्तेमाल करने पर विचार चल रहा है? ये सवाल बहुत अहम हो गया है क्योंकि दुनिया के दो प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं ने भी 2022 में बड़े विनाश का संकेत किया है। और क्या वाकई में साल 2022 में परमाणु हमला तय है? यूक्रेन युद्ध में अब आगे क्या होने वाला है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या यूक्रेन के युद्ध में अब वो होगा जो 77 सालों से दुनिया में नहीं हुआ है? क्या परमाणु हमले पर क्रेमलिन में फैसला हो चुका है? क्या पुतिन परमाणु हमला करने वाले हैं? क्या होगा, क्या नहीं होगा और कैसे होगा, कौन हारेगा और कौन जीतेगा, ये सब कुछ आज से
455 साल पहले ही दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नोस्त्रदामस ने लिख दिया है। लेकिन नोस्त्रदामस ने कुछ ऐसा भी लिखा है जिसने दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को चिंता में डाल दिया है। नोस्त्रदामस ही नहीं, बुल्गारिया की एक और प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भी परमाणु युद्ध की तरफ संकेत किया है। शब्दश, नोस्त्रदामस ने क्या लिखा है, क्यों इसे नोस्त्रदामस के द्वारा परमाणु हमले की चेतावनी माना जा रहा है, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का सच भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले नोट करने वाली बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे सीधे परमाणु हमले की धमकी दी है। ब्रिटेन में रूस के दूतावास से पुतिन का एक बयान ट्वीट किया गया है। पुतिन ने एक बार फिर धमकी देते हुए लिखा है, अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियार का इस्तेमाल दो बार किया है और हिरोशिमा और नागासाकी को नष्ट किया है, और ये दुनिया में मिसाल पेश करने की बातें कर रहा है। पुतिन की जुबान पर परमाणु बम का जिक्र आना इस बात का सीधा सीधा जवाब है कि पुतिन के दिमाग में परमाणु हमला भी एक विकल्प के रूप में मौजूद है। अभी पिछले हफ्ते ही पुतिन ने परमाणु बम का जिक्र करते हुए ये कहा था कि रूस के पास विनाश के हथियार मौजूद हैं। пошёл и ядерный шантаж. Речь идёт не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. एक हफ्ते में दूसरी बार पुतिन का ये बयान आया है, और पुतिन के इन्हीं दो बयानों के ही दौरान पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरव का बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर साफ साफ ये कहा है कि यूक्रेन पर न्यूनतम क्षमता के परमाणु बम का इस्तेमाल हो। एक के बाद एक लगातार न्यूक्लियर थ्रेट, ये कोई संयोग नहीं है। सवाल ये है कि क्या वाकई दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या खारकीव, इज्यूम और लेमान में हारने के बाद अब हार की शर्म और अपमान को पुतिन एटम बम से धोने वाले हैं? आखिर क्या होने वाला है? नोस्त्रदामस की भविष्यवाणियों का इशारा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। 2022 को लेकर नोस्त्रदामस की एक भविष्यवाणी ये भी है कि धरती पर 3 दिन तक अंधेरा रहेगा। आखिर क्या है इस भविष्यवाणी का मतलब? दरअसल नोस्त्रदामस ने हमेशा अपनी भविष्यवाणी को कविताओं में छंदबद्ध किया है। अपनी बात कहने के लिए नोस्त्रदामस ने उपमाओं का उपयोग किया है, इसलिए नोस्त्रदामस की भविष्यवाणियां कई बार घटनाएं घट जाने के बाद समझ में आती हैं। लेकिन नोस्त्रदामस की यह खतरनाक भविष्यवाणी कि धरती पर 72 घंटे तक अंधेरा रहेगा, ये बेहद खतरनाक इशारा कर रही है। ये 72 घंटे का अंधेरा कैसा होगा? क्या न्यूक्लियर बम फटने की वजह से होने वाली तबाही और आगजनी के धुएं से आसमान ढक जाएगा और सूरज की रोशनी ही धरती तक नहीं पहुंच पाएगी? 2022 को लेकर इस भविष्यवाणी को लेकर पहले विद्वानों और एक्सपर्ट्स को ये लगा कि ये किसी प्राकृतिक आपदा की चेतावनी है, लेकिन अब जिस तरह लगातार रूस के द्वारा और खासकर पुतिन और उनके कमांडरों की तरफ से लगातार परमाणु हथियार की बात कही जा रही है, नोस्त्रदामस की इस भविष्यवाणी को परमाणु बम के हमले से जोड़कर देखा जा रहा है।
क्या पुतिन वाकई में परमाणु बटन दबा देंगे? पुतिन जो ठान लेते हैं वो करते जरूर हैं। इसी साल फरवरी के महीने में जब सिर्फ दावे ही किए जा रहे थे कि पुतिन यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं, तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन पुतिन सिर्फ बातें करने वाले इंसान नहीं है। उन्होंने यूक्रेन पर हमला करके ये बता दिया है कि वो जो सोच लेते हैं वो करते भी हैं। तो क्या पुतिन ने परमाणु हमले के बारे में सोच लिया है? ये बहुत डरावना सवाल है, लेकिन पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स आज इसी सवाल का जवाब तलाशने में लगे हुए हैं कि आखिर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है। Территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это еще раз, всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. अभी हाल ही में नॉस्ट्रेडामस के द्वारा की गई क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। नॉस्ट्रेडामस की 9/11 के हमले की भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। नॉस्ट्रेडामस की ये भविष्यवाणी भी सच हो रही है कि भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनेगा। पहले और दूसरे विश्व युद्ध पर की गई भविष्यवाणियां भी सच सिद्ध हो चुकी हैं। हिटलर का उदय और नेपोलियन के सत्ता के शीर्ष पर बैठने की भविष्यवाणियां भी सही साबित हुई हैं। बुल्गारिया की बाबा वेंगा भी पुतिन को लेकर एक भविष्यवाणी कर चुकी हैं। बाबा वेंगा के मुताबिक एक वक्त आएगा जब अमेरिका की बादशाहत खत्म होगी और रूस और पुतिन की बादशाहत दुनिया देखेगी, क्योंकि रूस लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड बन जाएगा। बताया जाता है कि बाबा वेंगा ने एक राइटर से इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले समय में रूस दुनिया का स्वामी बनेगा और यूरोप बंजर जमीन की तरह बन जाएगा। बाबा वेंगा ने क्यों कहा कि यूरोप बंजर जमीन की तरह बन जाएगा? क्या परमाणु युद्ध इसकी वजह बनेगा? इस सवाल के जवाब तलाशने में दुनिया के तमाम विद्वान अपना दिमाग लगा रहे हैं। सबसे बड़ी और गंभीर बात यह है कि हालात लगातार परमाणु युद्ध की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि रूस दुनिया की एक सुपर पावर है और उसको यूक्रेन में हार पर हार मिल रही है। खार्किव, इज्यूम और लिमान के बाद खेरसोन में भी रूस की सेना के पांव उखड़ने लगे हैं। देखिए, यूक्रेन के नक्शे में ये है खेरसोन। इस पर कब्जा तो रूस का है, लेकिन यूक्रेन लगातार दबाव डाल रहा है। अगर खेरसोन पुतिन के हाथ से निकला तो समझिए क्राइमिया पर भी ज़ेलेंस्की हमला कर देंगे, जिस पर 2014 से पुतिन का कब्जा है। पहले ये तस्वीर देखिए जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। खेरसोन के जोल्टा बाल्टा गांव पर यूक्रेन की फौज ने कब्जा कर लिया है और वहां पर रूस का झंडा हटाकर यूक्रेन का झंडा लगा दिया है। ठीक इसी तरह खेरसोन के एक और गांव माइरो लुबीविका पर भी यूक्रेन की फौजों ने कब्जा कर लिया है। इसका वीडियो भी यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। बात बिल्कुल साफ है कि रूस की फौज लगातार दबाव में है और कभी भी ये खबर आ सकती है कि खेरसोन से भी रूस की फौजें भाग रही हैं। खेरसोन के अंदर कुछ बड़ा घटनाक्रम चल रहा है, क्योंकि खेरसोन प्रांत में ज़ेलेंस्की सरकार के प्रतिनिधि का कहना है कि रूस की फौजों ने खेरसोन के लोगों को बाहर निकलने से मना कर दिया है। Окупанти фактично заблокували виїзд. Люди почали виїжджати, і це є відповідною відповіддю наших людей на окупованих територіях, тому що залишатися під гнітом окупанта далі стає все більше і більш неможливим, бо окупант почав казати про якісь добровольчі загони мобілізаційні, і, до речі, зазначає, що ці
अगर खेरसोन में भी रूस के पांव उखड़ गए और क्राइमिया की तरफ ज़ेलेंस्की की फौजें बढ़ गईं, तो पुतिन का अपने गुस्से पर काबू ही नहीं रहेगा और ऐसे में वो कुछ भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हादसा हुआ या फिर कराया गया, नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को यूरोप की लाइफलाइन कहा जाता है, लिहाजा यूरोपियन यूनियन इस हादसे की जांच लगातार कर रही है। लेकिन इसके बीच ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है कि यह हादसा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की साजिश है और उनके ही कहने पर उनकी फ्रॉगमैन कमांडो यूनिट ने इस पाइपलाइन को उड़ाने के लिए ऑपरेशन क्रोकोडाइल को अंजाम दिया ताकि यूक्रेन जंग के मुद्दे पर यूरोप पर दबाव बनाया जा सके। फ्रॉगमैन कमांडो ने उड़ाई यूरोप की लाइफलाइन। एपीएस अंडरवाटर राइफल से नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ाया। बाल्टिक सागर में रूस की स्पेशल फोर्स। राष्ट्रपति पुतिन का ऑपरेशन क्रोकोडाइल। इससे पहले हम आपको राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऑपरेशन क्रोकोडाइल के बारे में तफसील से बताएं। आप जरा यूक्रेन जंग से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। यूक्रेन जंग में बरसता तबाही का बारूद। इन तस्वीरों को रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी कर यह दावा किया है कि रूसी फौज ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और उसके हथियारों के डिपो पर बड़ा हमला किया है। रूस का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस का ये भी दावा है कि उसकी फौज ने अक्टूबर महीने के पहले 3 दिनों की लड़ाई में यूक्रेन के 500 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। ये तो रही यूक्रेन जंग की तस्वीरें। आइए अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद पूरा यूरोप थर्रा गया था। बाल्टिक सागर के बीचों बीच समंदर में उठते पानी के बुलबुले और समंदर के पानी पर तेजी से फैलती सफेद रंग की झाग। ये तस्वीरें 27 सितंबर को डेनमार्क और स्वीडन की सीमा के पास बाल्टिक सागर से दुनिया के सामने आई थी। दरअसल ये बुलबुले और झाग समंदर के नीचे बिछी नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के लीक होने के बाद बनना शुरू हुए थे। आइए अब आपको कुछ हैरत अंगेज तस्वीरें दिखाते हैं। गहरे समंदर के अंदर हाथों में अंडर वाटर असॉल्ट राइफलों से गोलियां चलाते स्पेशल यूनिट के कमांडो। अब आपको इस स्पेशल कमांडो यूनिट की हकीकत भी बताते हैं। ये रूस की नौसेना की GUGI यूनिट के फ्रॉगमैन कमांडो है और यूरोपियन संघ को शक है कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुए हादसे के पीछे रूस की इसी कमांडो यूनिट का हाथ है। इतना ही नहीं, यूरोपियन संघ को इस बात का भी शक है कि यूरोप के साथ एनर्जी वॉर को जारी रखने की कोशिश में व्लादिमीर पुतिन ने प्रमुख गैस पाइपलाइन पर हमला करवाया है। EU ने इस बात की आशंका जताई है कि रूस ने पाइपलाइन पर हमले के लिए अपने फ्रॉगमैन कमांडो या ड्रोन सबमरीन का इस्तेमाल किया होगा, जिससे नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 में छेद हो गए। रूस के फ्रॉगमैन कमांडो समंदर के अंदर किसी भी खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित हैं। इन्हें फ्रॉगमैन कहा जाता है। फ्रॉगमैन कमांडो मिशन को अंजाम देते वक्त काले रंग का स्विम सूट पहनते हैं। फ्रॉगमैन कमांडो यूनिट का हर सैनिक एपीएस अंडरवाटर स्पेशल गन से लैस होता है। एपीएस अंडरवाटर गन को खास तौर पर पानी के अंदर फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है।
APS underwater special gun 4.75 इंच लंबे स्टील बोल्ट को फायर करती है। ये स्टील बोल्ट एक सामान्य गोली से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये बोल्ट पानी के नीचे के वाहनों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉगमैन कमांडो के पास SSP-1 पिस्टल भी होती है। SSP-1 पिस्टल भी पानी के अंदर स्टील बोल्ट फायर करती है। APS गन और SSP-1 पिस्टल पानी के बाहर इतने कारगर नहीं है, लेकिन पानी के अंदर ये विनाशकारी है। फ्रॉगमैन कमांडो यूनिट में शामिल हर कमांडो को जासूसी और हमले दोनों तरह के मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इन स्पेशल फोर्सेस के पास छोटी पनडुब्बियां, मानव युक्त टारपीडो, स्पेशल हथियार, स्पीड बोट और यहां तक कि प्रशिक्षित डॉल्फिन भी होती हैं। फ्रॉगमैन कमांडो पानी के नीचे किसी भी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में माहिर माने जाते हैं। लिहाजा यूरोपियन संघ को इस बात का शक है कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमले के पीछे रूस की यही फ्रॉगमैन यूनिट है। दरअसल नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को यूरोप की लाइफलाइन कहा जाता है और इस पाइपलाइन के जरिए ही रूस पूरे यूरोप को गैस सप्लाई करता है। रूस ने गैस सप्लाई के लिए एक नहीं बल्कि दो गैस पाइपलाइन बिछाई हुई है, लेकिन 27 सितंबर को रूस ने कहा कि उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला कर उसके एक हिस्से को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से गैस लीक हुई। Произошедшее с Северным потоком Соединенным Штатом. Безусловно. Американские поставщики сжиженного газа должны праздновать кратное увеличение поставок СПГ на европейский континент. А с политической точки зрения разорвана последняя нитка, обеспечивающая самостоятельность Евросоюза в области энергетики. США в условиях энергетического кризиса спешно переносится европейское производство. Они получают передовые кадры, технологии, производственные ресурсы. Nord Stream gas pipeline से gas leakage की ये तस्वीरें दक्षिण स्वीडन से सटे बाल्टिक सागर से आई थी। इनमें आप साफ देख सकते हैं कि गहरे समंदर के अंदर से गैस कितनी तेजी से लीक कर रही है। 28 सितंबर की गैस लीकेज के बाद डेनमार्क और स्वीडन ने दुनिया को ये कहकर चौंका दिया था कि यह हादसा नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर इस हादसे को अंजाम दिया है। डेनमार्क के मुताबिक नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पूरे इलाके में मीथेन गैस फैल गई, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा। डेनमार्क के मुताबिक पाइपलाइन में गैस लीक होने से पहले समंदर के अंदर धमाकों की आवाजें भी रिकॉर्ड की गई थी। आइए अब आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुआ यह हादसा कितना बड़ा है। समंदर के नीले रंग के पानी पर तेजी से फैलती हरे रंग की ये मीथेन गैस है जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन फटने से वातावरण में फैल गई। इस हादसे के बाद यूरोपियन संघ ने यह कहा था कि वो इस गैस पाइपलाइन में हुए हादसे की निष्पक्ष जांच करेगा।